पुलिस को लोगों का रक्षक माना जाता है, लेकिन देश में अब ऐसा हो रहा है कि रक्षक ही लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। गुजरात के मोरबी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पुलिस एक युवक की जान की वजह बन गई। मोरबी का ये मामला आपका दिल दहला देगा, क्योंकि जिस बेरहमी से पुलिस ने इस युवक को पीटा है उससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि रक्षक ही भक्षक है। यूं तो पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है, पर कुछ ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर पुलिस ने एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल मामला ये है कि मोरबी के मकनसर गांव में मोबाइल शॉप चलाने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में जॉब कर रहे उनके दोस्त को फोन कर कहा कि हमने एक मोबाइल चोर को पकड़ा है, जिसके बाद मोरबी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कांस्टेबल किशोर गोलानी और जीआरडी के 5 जवान मिलकर वहां पर गए और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाने की वजह वो किसी अज्ञात स्थल पर ले गए और वहां पर जाकर उसको बेरहमी से उसको पीटने लगे। जब बेरहमी से युवक को पीट रहे थे, तब रास्ते में से गुजर रहे एक अज्ञात युवक ने उनको पूछा कि क्यों पीट रहे हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मी और उनके साथी वहां से भाग गए। हालांकि युवक को बहुत बेरहमी से पीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। 2 दिन बाद ये पूरी घटना सामने आई, तब मोरबी एसपी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और पूरी घटना से पर्दा उठा और उसमें पता चला कि इसमें पुलिस कांस्टेबल और उनके साथी इस घटना में शामिल थे, जिसके बाद कांस्टेबल किशोर गोलानी और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो किशोर गोलानी वहां पर गए थे युवक को गिरफ्तार किया था, वो उनका इलाका नहीं था। वो दरअसल वो एरिया है, वो वांकानेर पुलिस की हद में आता था। तब देखना ये है कि पुलिस अब कौन से कड़े कदम उठाती है और किशोर गोलानी और उनके साथियों को कितने कम समय में पकड़ती है और क्या क्या उन पर आरोप लगाती है और कौन सी कार्रवाई करती है। मोरबी पुलिस ने एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में बड़ी ही बेरहमी से पीटा। युवक को इतनी बुरी तरह से मारा कि युवक की जान चली गई। युवक को मौत के घाट उतारने में एक पुलिस कांस्टेबल और 5 ग्राम रक्षक शामिल हैं। युवक की हत्या के बाद मोरबी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जे केसनी हकीकत छे एमा एवुं छे के जे किशोर भाई छे एमना मित्र रातावीडा में छे कोई जे दुकान चलावे छे मोबाइल नी, एमणे किशोर भाई ने फोन करेल हतो के अहींया एक मोबाइल चोर पकड़ायेलो छे तो आप तात्कालिक आवी जाओ। एटले किशोर भाई पोताना जीआरडी साथेना जे सभ्यो छे एमने लईने त्यां रातावीडा गया हता अने त्यां आ जे शकમન જે મોબાઈલ ચોર હતો એને માર મારવામાં આવી રહ્યો હતો અને કિશોર ભાઈએ અને જે 2 જીઆરડી સભ્યો છે એને ત્યાંથી પછી છોડાવીને ત્યાંથી એને મકનસર નજીક જે શીતળામાનું મંદિર છે ત્યાં પૂછપરછ માટે લઈ ગયેલા હતા અને જ્યારે એ લોકો એની પૂછપરછ કરી રહ્યા હતા મોબાઈલ ચોરી બાબતે ત્યારે નજીકથી એક રાહદારી પસાર થઈ રહ્યો તેણે આ લોકોને કેમ ભાઈ તમે આ આરોપીને આ ભાઈ વ્યક્તિને મારી રહ્યા છો એવું બોલતા આ લોકો ત્યાંથી જગ્યા છોડીને ભાગી ગયા હતા અને પછી આ જે વ્યક્તિ છે ત્યાં પડી ગયો હતો અને ઢસડાતો આજે કોન્ટ્રાક્ટરનું કામ ચાલુ છે એની ઓરડી પાસે આવીને પડી ગયો હતો અને તે મરણ ગયો હતો।